एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब। इस फिल्म में पंजाब के अंदर ड्रग्स की समस्या को दिखाया गया था, जो ड्रग्स सेवन के मामले में देश का नंबर वन राज्य था। जी हां, था, क्योंकि अब धरती का स्वर्ग कही जाने वाली कश्मीर घाटी पंजाब को पीछे छोड़कर ड्रग अब्यूज में नंबर वन बन चुकी है। आंकड़े और हालात दोनों इस बात की गवाही देते हैं कि जम्मू कश्मीर में ड्रग एडिक्ट्स की संख्या अब पंजाब को पार कर चुकी है, जिसकी ग्राउंड रियलिटी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको एक स्टडी के परेशान कर देने वाले आंकड़े बताते हैं। वर्ष 2022-23 में इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज ने कश्मीर में एक सर्वे किया, जिसमें पता चला है कि जम्मू कश्मीर की 2.87% आबादी नशीले पदार्थों का सेवन करती है। यह पंजाब से दोगुना से भी ज्यादा है, जहां 1.2% आबादी नशे की लत से प्रभावित है। यानी आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में युवाओं के हाथों से पत्थर तो छूट गए, लेकिन पत्थर की जगह ड्रग्स आ गई है, और इसमें हर उम्र का युवा शामिल है। स्टडी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में नशीले पदार्थों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल 15 से 30 वर्ष की उम्र वाले युवा कर रहे हैं। नशा करने वाले 25% युवा बेरोजगार हैं, 15% लोग ग्रेजुएट हैं, 14% इंटरमीडिएट पास, 33% मैट्रिक और 8% निरक्षर है। ड्रग्स के जाल में फंसती जा रही कश्मीर घाटी का सच सामने लाने के लिए सभी 10 जिलों में यह सर्वे किया गया था, जिसमें यह बात भी पता चली है कि कश्मीर में पैर पसारते ड्रग्स के कारोबार में कितना पैसा लगा हुआ है। सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हर 4 में से 3 ड्रग एडिक्ट्स सबसे महंगी ड्रग हेरोइन का सेवन करते हैं, और हेरोइन का आदि हर युवा महीने में औसतन 88,183 रुपए खर्च करता है। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद भले ही जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है और पत्थरबाजी की घटनाएं भी लगभग बंद हो चुकी हैं, लेकिन अब कश्मीर घाटी के युवाओं को ड्रग्स की लत ने जकड़ लिया है। जी न्यूज ने उड़ता कश्मीर की रियलिटी दिखाने वाली एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसे अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो ये नशा है, ये एक बीमारी है जो आसानी से नहीं जाती है। श्रीनगर के महाराजा हरि सिंह अस्पताल में घाटी का सबसे बड़ा नशा मुक्ति केंद्र चलता है। यहाँ हर 12 मिनट में एक ड्रग एडिक्ट, यानी हर 5 घंटे में 5 ड्रग एडिक्ट, और रोजाना 114 युवा नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो अब जो नई चुनौती यहां प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के सामने है, वो यहां पे बढ़ता हुआ ड्रग का सेवन जो लोग कर रहे हैं, उसकी तादाद जो लगातार बढ़ रही है लोगों की, वो एक बहुत बड़ी चुनौती और चिंता है। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती नशे के आदि एक कश्मीरी युवा ने जी न्यूज के कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाई। वो समझ रहे हैं कि जितनी आसानी से उन्हें नशे की लत लगी, वो उतनी आसानी से नहीं जाएगी। ये जो ये ड्रग है, ये बीमारी है। ये जो ये नशा है, ये एक बीमारी है जो आसानी से नहीं जाती है। स्टार्टिंग में स्टार्ट करता है इंसान टीन एज में, कॉलेज में, ज़्यादा ये जो हमारा यूथ है, यूथ में ज़्यादा ये आजकल चल रहा है। स्टार्टिंग में कूल लगने के लिए, कुछ करने के लिए स्टार्टिंग में सिगरेट पीने पे आते हैं, स्मोकिंग पे, फिर चर्च पे पहुँचते हैं, फिर हीरोइन पे पहुँच जाते हैं। आज के टाइम पे बहुत ईजी मिल रहा है ड्रग कश्मीर में, और ये नहीं कि हीरोइन, कोई भी ड्रग ले लो आप, आसानी से मिलता है।
इस नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक और युवा ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके एक दोस्त ने उसे नशे की आदत लगाई और फिर उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। शुरुआत 2014 में होगी, मैं जालंधर से आया, उस टाइम से कह रहा हूँ। 2014 में मैं फ्रेंड सर्कल के साथ घूमने निकला था, तो उस टाइम फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। हीरोइन है, जर्स है मेन, जो यहाँ पे इस टाइम चल रहा है वो हीरोइन ही है, और बाकी एलएसडी भी है। और अगर हम मार्केट की बात करें, क्या ये चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं बच्चों के लिए यहाँ पे, कि तब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं इन चीज़ों में? इजीली एवरी नो, हर जगह है अवेलेबल, वो कोई सिटी है नहीं, मतलब कोई जगह नहीं है जहाँ पे नहीं अवेलेबल है, हर जगह मिलता है। बीते दो सालों में नशे की लत कश्मीर में इतनी तेजी से फैली है जितनी चार सालों में भी नहीं फैली थी। नशा मुक्ति केंद्र ड्रग एडिक्ट युवाओं से भरे पड़े हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नशे की लत से जूझ रहे 10% लोग ही इलाज के लिए आते हैं। सर आप थोड़ा इधर। हमने एक फिर सोचा कि एक सर्वे करें, जो हमारे कोलैबोरेशन हुई हमारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ और जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ के साथ। तो ये सर्वे हमने पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट्स में की, जो वैली के हैं, और 10 उसमें ये हमने देखा जो फिगर्स आए जो उस सर्वे के, वो भी बहुत ही अलार्मिंग थे। तो वो जो फिगर्स हैं उसमें हमने देखा कि लगभग 2-3% थी परसेंटेज पॉपुलेशन जो हमारी है वो है डिपेंडेंट ऑन ये हार्ड कोर ड्रग्स, जो आपका हेरोइन है। जम्मू कश्मीर में पहले जिन युवाओं को आतंकवादी संगठनों में जाने से बचाने की लड़ाई सरकार लड़ रही थी, अब उन युवाओं को नशे के सौदागरों से बचाना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसमें सरकार की मदद कई एनजीओस भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक वॉलंटियर ग्रुप है ब्रिज द गैप, जो स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर युवाओं को नशे की लत से बचाने की मुहिम में जुटा है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, बहुत सालों पहले एक स्टैटिस्टिक आया था कि देयर आर अबाउट 70,000 to 75,000 पीपल। अब जो रिसेंट स्टैटिस्टिक्स आए हैं वो नाउ इट क्रॉस इट 1 million। सो हमें इस आदाद शुमार से अंदाज़ा हो जाएगा कि सिचुएशन इज़ अलार्मिंग। हम स्कूल्स में जाते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, हम फैमिली विजिट्स करते हैं। हमें कोई केस आता है फ़ोन कॉल या मैसेज से कि हमारा फलानी अजीज बेचारा जो है वो इस लत में मुबतला है, तो हम उनके घर जाते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ एक सेशन होता है, उस पेशेंट के साथ एक सेशन होता है, उसको हम मोटिवेट करते हैं, उसको समझाते हैं कि ये एक मेंटल हेल्थ इशू है और इसका ट्रीटमेंट है, हम आपको दिखाएंगे कि आपको कहाँ जाना है और आपका ट्रीटमेंट कहाँ पर अवेलेबल है। हालात कितने गंभीर हैं ये किसी से छिपा नहीं है। जम्मू कश्मीर में पकड़ी जाने वाली ड्रग्स की मात्रा भी पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में विभिन्न हिस्सों से करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद की है। सप्लाई की जाने वाली ज्यादातर ड्रग्स सीमा पार पाकिस्तान से आती है। ऐसी कई खेपें ज्यादातर कुपवाड़ा और उरी जैसे नियंत्रण रेखा के करीब के इलाकों में बरामद की गई। इसके अलावा इनमें से बहुत सारी ड्रग्स की खेप अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार से ड्रोन के माध्यम से गिराई गई। पुलिस अधिकारी भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर का खतरा सीमा पार आतंकवाद से भी बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान की साजिश जैसे पंजाब में हुई, वहां पर मिलिटेंसी खत्म होने के साथ ड्रग्स का तोहफा नौजवान को दिया और नौजवान पीढ़ी को बर्बाद किया। जम्मू कश्मीर पुलिस में अब क्योंकि मिलिटेंसी खात्मे पर पहुंच रही है, इसके साथ वही तोहफा पाकिस्तान लौट करके कश्मीर के नौजवान को, जम्मू के नौजवान को दे रहा है। हमें बिल्कुल होशियार रहने की जरूरत है और इस चाल को नाकाम करने की जरूरत है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब कश्मीर घाटी में गोलियों की आवाज गूंजती थी, युवाओं के हाथों में पत्थर होते थे जिसका इंतजाम सीमा पार पाकिस्तान से होता था। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद ये सब तो बंद हो गया, लेकिन अब एक नया चैलेंज कश्मीर घाटी में शुरू हो चुका है जिससे निपटना न सिर्फ अकेले सुरक्षा बलों का काम है और न पुलिस का। एक नए सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ड्रग का सेवन करने वालों की संख्या पंजाब से ज्यादा पाई गई है और ये बढ़ती संख्या
निसंदेह ही जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए अब एक नई चुनौती है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ड्रग व्यापारियों के तार सीमा पार से जुड़े हुए हैं और अब सरकार ने भी इस सब को रोकने के लिए कमर कस ली है। जहां पूरे जम्मू कश्मीर में रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोले गए हैं, वहीं साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों ने ड्रग व्यापारियों पर भी नकेल कसना शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर। ये रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि अब कश्मीर घाटी में सबसे बड़ा चैलेंज टेररिज्म नहीं बल्कि नार्को टेररिज्म है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद पिछले 4 वर्षों के दौरान कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या 250 से घटकर करीब 100 ही रह गई है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान अब कश्मीर घाटी में हिंसा और आतंकवाद फैलाने की अपनी नीति में कामयाब नहीं हो पा रहा है और इसीलिए अब उसने हथियार और आतंकवादी घुसपैठ की कोशिशें छोड़कर ड्रग ट्रैफिकिंग के जरिए कश्मीर के युवाओं को बर्बाद कर देने की साजिशों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। कश्मीर घाटी में सीमा पार से ड्रग्स की सप्लाई में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स मार गिराने की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं। मार्च 2022 से मार्च 2023 के दौरान जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर के लगभग 20 बड़े और गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं, जब ड्रग्स और हथियारों को एक साथ सीमा पार से कश्मीर में सप्लाई किया गया है। इसी वर्ष मार्च में कश्मीर के सांबा जिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 300 किलोग्राम से ज्यादा ड्रग्स जब्त की थी, जिसे नष्ट कर दिया गया था। इसमें 153 किलो हेरोइन और 177 किलो चरस थी। इसी तरह पिछले वर्ष अक्टूबर में भी पुलिस ने एक ट्रक से 21.5 किलो हेरोइन जब्त की थी, जो पाकिस्तान से स्मगल की गई थी। जी न्यूज ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी ड्रग एडिक्ट से बात की, सबने कहा कि ड्रग मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। कश्मीर में हर जगह ड्रग्स बड़ी आसानी से मिल जाती है, यानी सीमा पार से आने वाली ड्रग्स को फैलाने और युवाओं को इसकी लत लगाने का काम कश्मीर में बड़े ही संगठित तरीके से हो रहा है। पिछले साल जम्मू कश्मीर पुलिस ने 1021 केस दर्ज किए थे और 1700 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार भी किया था। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स में भी दावा किया जाता है कि हथियारों के साथ ही ड्रग्स को भारत में पहुंचाने के काम में अब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन लग चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से लश्कर ए तैयबा का नाम शामिल है, जबकि कुछ मामलों में जैश ए मोहम्मद की भूमिका भी सामने आ चुकी है। और ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं, वो ये कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित टेरर की जगह अब पाकिस्तान प्रायोजित नार्को टेरर ने ले ली है और ये बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। Z News।